बाय। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम कहाँ जा रहे हैं? बीन एंड बियर कैफे। हम जा रहे हैं बीन एंड बियर कैफे, जो इस वक्त दिल्ली में बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग हो रखा है। यूनिक भी और बहुत ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि भाई उसका टेडी बियर एस्थेटिक की वजह से और बहुत सारी चीजों की वजह से, मेनली कॉफी की वजह से ज्यादा हुआ है और टेडी बियर के चक्कर में। तो बीन एंड बियर कैफे जो है आपका, वो कहाँ है? ग्रेटर कैलाश पार्ट 3 GK3। हाँ, ग्रेटर कैलाश GK3 वहाँ पे है। थोड़ा सा दूर है हमारी लोकेशन से, है ना, और गर्मी भी बहुत है ना। बहुत ज्यादा बढ़ी है कम से पहले, अभी 5-6 दिन पहले बारिश हो रही थी। अप्रैल मार्च पता नहीं क्या है क्या नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। एकदम से ठंड हो जाती है, एकदम से गर्मी हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। अभी बस थोड़ी टाइम गर्मी रहेगी, उसके बाद वापस से बारिश आने लग जाएगी। गर्मी तो अब है 3-4 महीने। अब गर्मियों में मरो, एसी वैसे ठीक करवाओ। अच्छा, गाड़ियों के बस हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं बीन एंड बियर कैफे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि एक्चुअल में वो जैसे उसकी तारीफें हो रही है कि यार ये है वो, ऐसा खाना बहुत टेस्टी है, ये है वो, एक्चुअल में खाना उसका टेस्टी अच्छा है, नहीं है। लोग ऐसे ही बातें बता रहे हैं हवा में। सो लेट्स गो एंड ट्राई इट आउट। ओके, तो यहाँ हो रहा है बहुत ही तगड़ा वाला जाम। अभी हम है आम कैम, हम अभी खुद नहीं पता। वेरी गुड, यही उम्मीद है मुझे, बट यहाँ बहुत ज्यादा जाम है जो भी जगह है, राइट? कैसा लग रहा है जाम में? क्या होगा पता, मजे आ रहे ना? पैर दर्द हो रहा होगा। ये तू तो आराम से बैठी है ना, बैठी है। यही तो मजा है। तो हमारा हो गया है वहाँ का काम खत्म, और अब हम उसका रिव्यू करते हैं बहुत प्यार से। तुम बताओगे, हम बताएं। बढ़िया था, खाना तो अच्छा है, बहुत अच्छा। खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है, मतलब मैंने रिव्यूज पढ़े थे, कंजेस्टेड है। हाँ, मैंने रिव्यूज पढ़े थे, मेरे को लगा कि खाना टेस्टी नहीं होगा, बट खाना हमने 2-3-4 चीजें मंगवाई थी और वो बहुत ज्यादा टेस्टी थी। थोड़ी सी क्वांटिटी कम थी, बट प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई है, अनएक्सपेक्टेड, बजट फ्रेंडली नहीं है बिल्कुल भी। बहुत प्राइस हाई है, हाई है, बहुत ही ज्यादा हाई है, राइट? मतलब आपको 400 से नीचे अगर कोई चीज बहुत ही कम दिखेगी, ज्यादा अबव ही है ना। और शेक्स भी महंगे, कॉफीज भी महंगी है। हाँ, ये नहीं कि कुछ महंगा नहीं है, सब कुछ महंगा ही है। हाँ, सब कुछ, मतलब कॉफीज भी इतनी, मतलब काफी महंगी है, और बहुत ही ज्यादा छोटा है, क्योंकि वीडियोस में जैसे उन्होंने दिखाया था कि बहुत ही बड़ा है, इतना बड़ा, मुझे लगा काफी ज्यादा बड़ा होगा, बट इतना बड़ा था नहीं वो। पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, और टाइमिंग के हिसाब से आना, वरना आपको वेटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, वेटिंग भी है वहाँ पे। हाँ, दिन में आओ तो ज्यादा बढ़िया है,
क्योंकि 2 बजे के बाद वहाँ पे आपको वेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हम 2 बजे वहाँ से फ्री हुए हैं, लाइक 2:30 बजे वहाँ से फ्री हुए, और तो इतनी ज्यादा बाहर वेटिंग चल रही थी लोगों की, बहुत ही ज्यादा भीड़ हो चुकी थी, पर दिन में ठीक था जिस टाइम हम गए थे तो. और जो स्टेयर्स वाला एरिया है जो इतना ज्यादा बड़ा दिखा रखा है उन्होंने वीडियो में, बहुत छोटा है, बहुत छोटा, दो लोग नहीं निकल सकते एक बारी में, बहुत छोटा है, दो लोग भी नहीं निकल सकते उसके अंदर से, एक एक करके बंदे को जाना पड़ेगा. मैंने कहा यार, मेरे को पहले लगता था कि यार कितना बड़ा है, बट जैसे वहाँ पे फोटो खिंचवाने गई वहाँ पे तो भाई ऑलरेडी एक बंदे से इतना बड़ा बड़ा लग रहा था. हाँ, वो लोगों ने अल्ट्रा वाइड करके ना लिया है, शॉर्ट बहुत ज्यादा अल्ट्रा वाइड करके लिया है, इसलिए आपको बहुत बड़ा लगेगा, पर वो बड़ा है नहीं, बहुत छोटा है वो, बहुत ज्यादा छोटा है. जैसे घर की सीढ़ियाँ होती है ना हमारी, बिल्कुल वैसे ही, वैसे ही है, घर की सीढ़ियों से भी छोटा है तरीके से, क्योंकि बहुत सारे टैटू भी है वहाँ पे, एक तो इतने सारे टूल्स रखे हुए, पर बहुत क्यूट है. क्यूट था, कैफे अच्छा था, सर्विस भी काफी फास्ट थी, बस थोड़ा बजट फ्रेंडली नहीं है, बाकी मैं उनको रिकमेंड करूंगी जो थोड़े से बजट में खाना पसंद करते हैं, है ना. बाकी खाना जैसे बच्चों के लिए काफी ज्यादा रिकमेंड है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे, क्राउड बहुत ही प्यारा था. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत ही जल्दी आएगी, बहुत ही अच्छी अच्छी आएगी, तो तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.